एक बार सब लोग मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और जोर से बोलेंगे, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जोहार, जय जोहार। केम छो दूर दूर से आए हुए मेरे सारे प्यारे बहनों भाइयों माताओं बुजुर्गों बच्चों, इतने सारे लोग दूर दूर से दिखाई दे रहे हैं, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी देर से आप लोग बैठे हुए हैं, इतनी देर से आए हुए हैं, इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, मैं तहे दिल से बहुत बहुत आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जितनी बार गुजरात आता हूँ इतना प्यार मिलता है आप लोगों से, इतना प्यार मिलता है गुजरात के लोगों से, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब सरकार बनेगी हम अपना एक एक वादा, एक एक गारंटी, एक एक वादा पूरा करेंगे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। अभी जैसे भगवंत मान साहब ने बताया, हम अगर चार गारंटी देते हैं तो पांच काम करके दिखाएंगे, तीन नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, ज्यादा काम करके दिखाएंगे। सब लोग चाहते हैं, तो मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूं। आईबी की एक रिपोर्ट आई है, आईबी मतलब एक खुफिया एजेंसी है सरकार की। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, चिंता मत करना, आपका बेटा आपका इलाज कराएगा। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को गुंडागर्दी करनी नहीं आती, मेरे को भ्रष्टाचार करना नहीं आता, मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। अगर गुंडागर्दी चाहिए उन लोगों को वोट दे देना, 27 साल से देते आए। भ्रष्टाचार चाहिए, लफंगई चाहिए, उनको वोट दे देना। अपने बच्चों के लिए स्कूल बनवाने हो
अपने परिवार के लिए अस्पताल बनवाने हो तो मेरे पास आ जाना, मैं बनवा दूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं एक आम आदमी हूं। हमारी पार्टी के पास कुछ नहीं है, भगवंत मान साहब भी फक्कड़ आदमी है। सात साल में हमने केवल लोगों की दुआएं कमाई हैं, जिन गरीबों के बच्चों को हमने अच्छी शिक्षा दी है, जिन गरीबों के परिवारों का हमने इलाज करा दिया, फ्री में इलाज करा दिया, जान बचा ली जिनकी, वो हमें खूब आशीष देते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं, खूब दुआएं देते हैं। काला धन आ रहा है, ये कुछ गरीब लोगों का कुछ फायदा नहीं है जीएसटी से, ये इन बाजार वालों का ही फायदा है। दवाई मीडिया के सामने भाजपा की आने की हिम्मत नहीं है। ये क्या मुद्दा है आप लोगों का, मुद्दा क्या बताएं? आ गया है बेरोजगारी, बेरोजगार है तो रोजगार के लिए वोट करेंगे इस बार। केजरीवाल